परसों मेरी BMW की डिलीवरी है, तेरे को आना है, ठीक है पक्का? भाई साहब, मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा था, डर गया एकदम से। इतनी तेज बादल फटने की आवाज आई है बाहर से, तगड़ी वाली बारिश हो रही है लग रहा है। बारिश तो इतनी तेज नहीं है, देखना जरा सही पानी है, बट बादल ऐसे गरजा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। सही में भाई मेरी बुरी वाली फट गई है अचानक से, बम ऐसे जैसे बम ब्लास्ट हुआ कहीं पर। सब छोड़ो, वीडियो शेड्यूल पे लगाते हैं, बहुत रात हो गई है, सोना है, कल मेरा शूट है। देखना 1 बज गया भाई, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 22 अप्रैल 2022, मैं हूँ अभी गुड़गांव में फिलहाल। तो खैर ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको लास्ट ब्लॉग में ही बताया था ना कि अगर एक बार ब्लॉग शुरू हो जाए ना कुछ बन जाता है, बट अगर शुरू ही ना करूँ ना भाई फिर आलस आ जाता है और बनता नहीं है पूरे दिन में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ रात को शुरू कर दिया करूँ, ताकि अगले दिन भले ही पूरे दिन शूट में मैं बिजी रहूँ, बट कुछ ना कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर करके कॉन्टेंट आ जाएगा ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार, आपको ये कॉन्टेंट पसंद है देखना या नहीं है, या फिर कभी कुछ हैपनिंग हो लाइफ में तभी मैं ब्लॉग करूँ और तभी आपको दिखाऊँ, या आप डेली देखना चाहते हो, तो वो दो ऑप्शन में से कुछ भी बता देना, उस हिसाब से फिर सेटअप कर लेंगे अपने चैनल को आगे जाके, है ना। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो फाइनल करके अपलोड पे शेड्यूल करके छट देता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे कल। ओके जी, The next morning. तो आज से भाई अपनी डाइटिंग जो है ना प्रॉपर शुरू हो चुकी है। तो सुबह पहले योगा तो मैंने कर ली, 10 से 11 होती है, मैं 9:55 पे उठा और फटाफट उठते ही योगा करने लग गया। उससे पहले बादाम और अखरोट खाए है, 4 बादाम 2 अखरोट भिगो के रात को। अब योगा के बाद क्या करना है, ये चिया सीड्स वाला पानी है जो हमने मम्मी ने रात को इसमें भिगो के रखे थे, डाल दो बीज भी सारे पूरे, थोड़ा पानी कम कर दो ना इसमें डाल के। तो चिया सीड्स वाले पानी में नींबू निचोड़ के, काला नमक पड़ा हुआ है नहीं है तो नॉर्मल नमक डाल दो, थोड़ा सा वो वाला नमक डाल के ये पीना है, एक गिलास ठंडा है ना, डालो बीज सारे। डाल रही हूं पहले पानी। क्या कर रहे हो मामी? अब ये जो बचा हुआ है ना, इसकी दोपहर को लस्सी बनानी है, ये फ्रिज में रख दो, जैसे लस्सी को पतला करते हो ना जब, तो उसमें ये डालना है। अब इसमें डालते हैं नमक और नींबू और पी जाते हैं। वैसे चिया सीड्स का कोई टेस्ट नहीं होता, गिलगिले से लगते हैं, तो चबाने नहीं पड़ते, सीधा अंदर निकल जाओ। देना नमक और वो नींबू, ये लो पोपट हो गया, नींबू तो लाए नहीं पापा, तो अभी वो पानी थोड़ी देर बाद पीऊंगा, पहले केला खा लूं पेस्ट करके, मतलब ब्रश करके। हाय ब्रूनो, कैसा है, इधर देख बच्चा, गिली 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 क्या क्या लगा रखा है तूने अपने, शर्म आती है खाता है, मुंह तो पोंछ लिया कर भालू, आती है शर्म नहीं आती तेरे को, है आती नहीं है। चलो मैं कर लूँ फटाफट, पहले ले आए नींबू पापा। चलो जी नींबू आ गए, ये रे कितने महंगे हो रखे नींबू वैसे, है ना। कितने रुपए नींबू पापा अभी? 250 रुपए। भाई साहब 300 रुपए हो गए थे अभी, 250 रुपए किलो चल रहे, कहाँ एक टाइम पे कितने 60-70 रुपए किलो आते थे, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। बट कोई नहीं, अब खाना तो है ही, कहाँ मम्मी कमाते किस लिए है, हैं? अब तुम ये भी सोचोगे अगर क्या करोगे इतना पैसा ले जाके दुनिया से, है यही खाओ पी के उड़ाओ, है क्या फायदा है। अरे बुना बदतमीजी नहीं मेरे सामने, इतना पैसे देता हूँ ये तो जिंदगी में नहीं बोल सकते तुम बात की, पैसे नहीं देता जितने मैं नहीं खर्चता उससे ज्यादा तुम खर्चते हो महीने में, आए बड़े मेरे तो क्या खर्चे, पेट्रोल का खर्चा है मैं तो बस, और कभी कोई नहीं, ये तो मतलब माँ बाप का फर्ज होता है ना बच्चों को, वो क्या ये निकाल दो ऐसे तो मुंह में आएंगे, पूरा पा दो और काला नमक डाल दो मजेदार, इसी की लस्सी भी पी सकते दोपहर को, वो भी पीऊंगा। दादा ना भौका मत कर, तू समझ आ रहा है घर वाले ही तो है सब, है जब कोई दूसरा चोर वोर घुसे घर में उसको काट दूं, हमें क्यों करता रहता है बदतमीज। चलो जी ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है, जरा मजेदार लग रहा है। मसाला डाले कम है, थोड़ा और डाल दो बीज का, वैसे ना कोई टेस्ट तो नहीं है बट पीने में मजेदार लग रहा है, रोड पे खड़ी होती है ना दाने वाली शिकंजी उस तरह लग रहा है, कम करो वो तो वो होता है। हाँ जो भी, मतलब ये टेस्टी लग रहा है, 2 चम्मच मजेदार है भैया, मजेदार पिया जा सकता है रोज। और यार अपनी हल्क भी वापस आ गई है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा इसमें हीटिंग इशू आ गया था, तो असल में जो रेडिएटर का फैन होता है ना वो खराब पड़ा था, मतलब वो ऑन ही नहीं हो रहा था जिसकी वजह से इंजन हीट मार रहा था, तो अब उन्होंने रिप्लेस कर दिया, नया लग गया है और वारंटी के अंदर थी गाड़ी, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट लगा है, बट कूलेंट के पैसे लिए वो मैंने अनमोल के रास्ते, जो वीडियो बनाई है उसमें डाल दिया सब कुछ, आज ही 2 बजे लाइव गई है, काफी लोग थोड़े सा नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा था उसमें, मतलब ठीक है यार, अब जब गाड़ियों का ना मुझे ऐसे मैकेनिकल चीज़ों का इतना पता नहीं है, जैसे कि मेरे साथ कभी ख़राब नहीं हुई गाड़ी, तो खराब होने पे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हाँ तो धीरे धीरे वो जैसे जैसे मेरे साथ चीज़ें हो रही है वैसे वैसे मैं सीख रहा हूँ, मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं कोई मैकेनिकल, है ना, और जो बेसिक चीज़ है वो इंसान को तभी समझ आती है जब उसके साथ होता है या धीरे धीरे, अभी तो मैं
मतलब लर्निंग स्टेज में हूँ, तो अपना 6-7 महीने 1 साल में हम भी गाड़ियों के बारे में अच्छे से जानने लग जाएंगे कि जब खराब होती है तो क्या करना चाहिए ऐसी उस पे सिचुएशन में, है ना। तो कोई बात नहीं, अब हेट मिल रही है तो मिलने दो, थोड़े दिन मिल जाएगी उसके बाद खत्म हो जाएगी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ लेजर वैली ग्राउंड से। फोर्स गुरखा है ना जो थार की कॉम्पिटिटर इंडिया में, वो भैया एक हमारे लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा कंपैरिजन वगैरह वीडियो बनाएंगे अच्छी सी। तो ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं भाई, वो अपनी खड़ी है हल्क या महिंद्रा थार, और ये है भाई फोर्स गुरखा। मतलब देखने में आप साइज लगा पा रहे हो अंदाजा की कितनी ऊंची है इस गाड़ी, मतलब थार के तो भाई साहब आस पास भी नहीं लग रही है इतनी ऊंचाई, और इसमें मॉडिफिकेशन लीगल है। तो इसकी हमने रिव्यू वीडियो बना लिया, आप अनमोल गैराज में चेकआउट कर लेना। चलाने में कैसी है वो भी सब वहीं बताऊंगा मैं आपको। अभी फिलहाल थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और निकलते हैं फिर उसके बाद। 1 hour later भाई साहब लेजर वाली जाके ना यही दिक्कत होती है। देखो सुबह गाड़ी वाले भैया धोके गए थे और आज देखो क्या हो गया, इतनी ज्यादा मिट्टी मिट्टी है। अभी अभी घर घुसा था, अब फिर निकलना पड़ रहा है। चलो मम्मी जल्दी, पर अब हम ले जाएंगे टाटा। असल में हमने टेस्ट करवाए थे, वो जो सारे टेस्ट वेस्ट होते हैं जनरल बॉडी चेकअप, तो मम्मी पापा की रिपोर्ट तो परसों ही आ गई थी, तो इसलिए वो दिखा भी आए थे डॉक्टर को रिपोर्ट्स। अब मामा की अभी आज ही आई है तो इसलिए लेकर जा रहे हैं, और थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स तो मतलब मुझे भी देखनी आती है, तो ऐसे सच कोई दिक्कत है नहीं, नॉर्मल आई है। बट फिर भी एक बार जनरल चेकअप ना करवाते रहना चाहिए 5-6 महीने में, और डॉक्टर को भी दिखाते रहना चाहिए ताकि कोई बड़ी बीमारी ना बने। ये जा रही है भैया अपनी वो वाली गाड़ी जो हमने बुक करवा रखी थी, MG की ग्लोस्टर टॉप वेरिएंट है सेवी वाला। मम्मी यही मिलने वाली थी हमें, सोचा अगर हम BMW का प्लान ना बनाते और एंडेवर का भी प्लान ना बनाते तो अभी तक हमारी ये गाड़ी मिल चुकी होती। हाँ है ना, मतलब हमें उन्होंने यही बोला था कि मार्च एंड में या अप्रैल 10-15 तक हम दे देंगे, तो अभी तक तो मिल जानी चाहिए थी आराम से। ठीक है, कुछ अच्छा लिखा था देख लो, BMW आ रही है उसकी जगह। देख रहे हो मम्मी, कहाँ 45 लाख की गाड़ी, कहाँ 1.5 करोड़ की गाड़ी, क्या बात है। लो जी आ गए हैं डॉक्टर के, और फटाफट से जाना, फटाफट से आना, अच्छे से पूछ। यार मैं नहीं जा रहा, मेरे बस की मैं नहीं ऐसे, नो मीन्स नो, जल्दी जाना जल्दी आना यार, रिपोर्ट ही तो दिखानी है, आगे कहाँ लगाऊंगा जगह, कहाँ कोई जगह नहीं है। मी हवा बाजी ये है, यहाँ जाना है अंदर, दिख रही है जगह, और कहाँ जाना है, अच्छा किसी और के। ओके वैसे इस एरिया के लिए तो यही गाड़ी बेस्ट है, बड़ी गाड़ी तो यहाँ पे ना जगह मिलेगी ना ला सकता बंदा। चलो जी यहाँ लगा देते हैं पार्किंग में, वेरी गुड। इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, फटाफट जाओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के आओ। मम्मी मैंने करना क्या है, चलो जी चलो फटाफट, मेरे को भी जाना ही पड़ेगा, लेट्स गो भाई लो। चलो जी चलो चलो जल्दी, चलो जी दिखाया है, बस हवाई दू लिख दिया थोड़ा बहुत, वही था और कुछ नहीं। अब चलते हैं पार्क के घर पे, कह रहा कल संडे है, नानी घर जाना है, लेकर जाओ। पिछली बार भी नहीं रुका था ना संडे को मेरे ख्याल, है ना, रुका था ना पिछली बार तो सब। अच्छा हाँ चलो, बहुत 2 हफ्ते हो गए बेचारे को, बाबा की डेथ हो गई थी। हाँ चलो जी चलो चलो। तो हमने स्विमिंग पूल भी दिया था ना जो पार्थ को पिछले साल, वो भी मंगवा लिया, कल शायद से हम फुलाएंगे अगर टाइम मिला तो। आ जा बात पीछे पीछे बैठो, फटा हुआ तो नहीं है ने? नहीं देख लियो बेटा, पैसे ले लूंगा अगर फट चुका होगा तो। और इसकी मशीन कहाँ है फुलाने वाली, ला दे मशीन। हाँ ये इससे हवा डालेंगे हम स्विमिंग पूल में, कल पार्थ ठीक है घर पे फुलाएंगे और फिर उसमें खेलेंगे, ठीक है, डन है ना पक्का। बंद करी से गेट खिला ला, मेरा पहली डाइटिंग चल रही है, चल बंद कर बंद कर, यहाँ तो जब आज खिला ला फालतू के मोमो चोमो। चलो चलो फटाफट पकड़ो यहाँ से, लेट्स गो भाई लो घर चलते हैं फटाफट से। चलो जी चलो उतरो उतरो सारे बच्चे, पार्टी उतरो। वैसे पार्थ जो है वो आजकल ब्लॉग्स में इसलिए नहीं आता क्योंकि अब इसका रेगुलर स्कूल हो गया, स्कूल जाता है फिर उसके आते ही ट्यूशन चला जाता है, तो शाम को फ्री होता है। पहले क्या था, ना स्कूल होता था ना ट्यूशन होता था, वेला घूमता रहता था। ट्यूशन तो होता था पर एक ही घंटे का होता था। कितने घंटे जाता है ट्यूशन, कितने कितने घंटे जाता है ट्यूशन ये? ओ माई गॉड 2.5 घंटे ट्यूशन, क्या बात है, लड़का पढ़ाई में अच्छा हो गया। आजा चला मेरा बच्चा, BMW की डिलीवरी पे ले जाएंगे तेरे को, ठीक है, ओके पुच्ची कर दे जल्दी देख। नहीं तेरी जिस दिन गाड़ी मिलनी होगी ना हमें, तेरी छुट्टी करवा देंगे उस दिन, ठीक है, तेरी छुट्टी करा के मैं ले जाऊंगा तेरे को। चला पार्थ नहीं जाएगा हमारी गाड़ी की डिलीवरी में, ऐसा कैसे हो सकता है, क्रेटा में भी गया था, थार में भी गया था, टियागो में भी गया था, BMW में भी गया था, है ना, सारी बाइक और गाड़ी की डिलीवरी में पार्थ गया, तो फिर हम इसको क्यों नहीं ले जाएंगे। ओ भागो भागो, वो आ गए आतंकवादी आ गए, शिट भागो 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 बेटे, कूदना नहीं होता कुर्सी नहीं, पहले कल फुलाएंगे हम जो स्विमिंग पूल लाए वो, कल शायद से अगर मुझे टाइम मिला तो यहीं पे ही ना फुला के हॉल में लगा लेंगे, और इसमें पानी भर के ब्रूनो मैं पार्टीनो नहाएंगे, ठीक है, बस यहीं पे पानी पानी यहीं फैला। हाँ मरना है मुझे गर्मी में बाहर,
इतनी धूप होती है बाहर, यहाँ करूंगा हॉल में। ठीक है पार, सही है। हाँ भाई, एलियंस की हालचाल, तेरे की हालचाल, हेलो कर दे सबको। हेलो, ऐसे कर दे हेलो। ब्रूनो काट के हेलो कर दे सबको। GTA 5 खेलनी है। पीसी पे तो अभी काम कर रहा है सब। प्ले स्टेशन में खेलेगा? खेलेगा। रिमोट से खेल लेगा? हाँ। कीबोर्ड माउस से और इससे स्टेयरिंग से तो मैंने इसे सिखा दिया था गाड़ी चलाना, बट प्ले स्टेशन के कंट्रोलर अभी इसको नहीं आता चलाना। चला तेरे को GTA खिलाते हैं लड़के। GTA 5 खेलनी है, पैदा हुए नहीं अभी तक है, GTA 5 खेलेंगे। ये गाड़ी चलाएगा उसमें कौन सी वाली, लंबरगिनी? ब्रूनो कुछ नहीं कहेगा, दे ब्रूनो ने चप्पल ले ली इसकी। हो ब्रूनो, ओ चोर 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 मचाए शोर, तेरे को कुछ नहीं कह रहा तू, ला तो रिमोट। हाँ ये ले आ, ले आ फटाफट, ले आ फटाफट फटाफट। भाई साहब हेलो मिस्टर, इधर जल्दी। हाँ टीवी का रिमोट दे, देख के कहाँ पे है, सीधा करना रिमोट से, ला मैं सिखाऊं। तो इस वाले से बटन से पीछे करा कर, ये वाले से पीछे होएगी। आए हाय, ये क्या कर दिया लंबरगिनी का, लंबरगिनी नहीं है वो वैसे। ये ले अब चला, सीधा सीधा रखियो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना ज्यादा, इसको नहीं छेड़ना, इस वाले को नहीं छेड़ना, बस इससे चला चला इससे। हाँ बस चल रही है ना, देख इससे इधर उधर कर। ठोक दी भाई गाड़ी, ठोक दी लड़के ने, ठोक ही दी भाई साहब, ठोक दी। हम जैसों के लिए वैसे कंट्रोलर से खेलना ईजी है, बट बच्चों के लिए नहीं है, इनको कीबोर्ड में ज्यादा सही स्टेबल वो होता है। मम्मी जब हम डॉक्टर के गए थे वहीं तुमने पूरी बात पूछनी थी ना, घर आके तुम्हें चीजें क्यों याद आती है, तुम्हें लग रहा है वो फोन में बताइए, जाओ पूछ के आओ, जाओ भाग के जाओ, जाओ 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 जाओ। क्या हो गया है, क्या हो गया मेरी माँ, BMW नहीं मिल रही, ऐसे गुस्सा कर रहे हो, आ गया देख रक्षक आ गया है, ज्यादा तू बनते हैं जहाँ तेरे को वो मिलते तू। ओ ब्रूनो मार रहे हो, बट इतना कुछ खास ना काम आता नहीं है, मतलब जब गेस्ट आते हैं तभी काम आता है, तो मैंने सोचा आज जरा इसका काम लिया जाए थोड़ा सा, 21 पे सेट कर दूं पहले, अब यहाँ बैठ के वीडियो बनाएंगे। 50,000 खर्चे है तो कुछ तो वसूल करे है ना। बाकी ये जो कुरियर आए हुए इनको बॉक्स करते हैं। और यार ये मैंने ना कैमरा लिया तो था सोनी का A7S3 विद 1635 F2.8 G Master Lens, 5 लाख रुपए का सेटअप था भाई ये। बट यार मैं इसको ज्यादा ना यूज नहीं कर पाता, मतलब ब्लॉगिंग के लिए, वैसे तो मेरे ये बहुत यूज आता है जो दूसरे चैनल की वीडियोस है ना अनमोल जायसवाल की, लेकिन ब्लॉगिंग में इससे क्वालिटी तो तगड़ी आती है, बट ये बहुत भारी भरकम सेटअप है। और अब मैं आईफोन से शूट करता हूँ ना, आईफोन ये जेब से निकाला कहीं पर भी शुरू हो गए, गाड़ी में बाहर, तो बहुत हैंडी है वो, क्वालिटी उसकी भी ठीक है, बट इसकी ना बहुत बेटर है, मतलब वीडियो क्वालिटी जो है ना नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। रुको इसको मैं सेटअप करता हूँ और फिर आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ साइड बाय साइड। ये देखो अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ना, ये है सोनी A7S3 की फुटेज, और अब जो आप देख रहे हो ये है iPhone 13 Pro Max की फुटेज। तो भाई फुटेज में तो नो डाउट जमीन आसमान का फर्क है, मतलब आप देख पा रहे हो सोनी A7S3 में जो पीछे ब्लर हो रहा है वो इफेक्ट अच्छा आ रहा है, स्किन काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है, 4K में शूट हो रहा है, तो जब आप बड़ी स्क्रीन में देखोगे ना ये वाला A7S3 वाली फुटेज बहुत मस्त आएगी। है शूट ये भी आईफोन की 4K में ही हो रही है, बट जब आप टीवी में देखोगे ना तो वो ग्रेन्स दिखेंगे, फटाफटा दिखेगा। तो मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हो मैं आने वाले व्लॉग सारे कैमरा से ही शूट करूँ? थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, बट देखते हैं भाई, मैनेज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि नो डाउट कैमरा क्वालिटी तो तगड़ी आएगी आएगी इस वजह से। कुरियर खोल लेते हैं पहले तो फटाफट से। ये आई है मेरे ख्याल की अपनी वो होगी, हाँ Oculus Quest 2 की ना अपनी, क्या कहते थे उसे, C-Link केबल, मतलब Oculus जो VR था ना उसको अगर आपको PC से कनेक्ट करके यूज करना है गेम खेलना, तो ये केबल मस्त काम कर। और इस डब्बे में क्या आया भैया, अरे स्टेज लाइट आ गई, तो वो जो हमने RGB लाइट मंगवाई थी ना अपने नीचे स्टूडियो के लिए, वो हमें काफ़ी पसंद आई, तो मैंने पहले एक ही मंगवाई थी देखने के लिए, तो पसंद आ गई तो दूसरी मंगवा ली, अब दोनों काम हो गया, तो हमारा जो मेन अनमोल जायसवाल चैनल की वीडियो है ना उसका बैकग्राउंड और लिटअप हो जाएगा मस्त। बस यही दो थे कुरियर। तो अब देखो जो अनबॉक्सिंग वाली फुटेज थी ना वो मैंने कैमरा से शूट करी थी, समझ रहे हो, तो कितना क्वालिटी में डिफरेंस आ गया होगा। कोई नहीं अभी के लिए मोबाइल ही सही। आप ज़्यादा कमेंट करोगे, मतलब 2000 भी कमेंट आ गए ना कि हाँ अनमोल भाई कैमरे से करो, तो कैमरे से करेंगे, वरना मोबाइल सही है भैया, जेब से निकाला शूट खरा रख दिया हो गया। इसको सेटअप करो, मैनुअल में चलाओ या ऑटोमेटिक में चलाओ तब भी दिक्कत होती होती है, क्यों पार सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा। परसों मेरी BMW की डिलीवरी है, तेरे को आना है ठीक है पक्का,
आएगा ना पक्का, और GTA 5 में नहीं है, रियल में डिलीवरी है, आएगा ना। शर्माता बड़ा है लड़का हमारा, और AC यहाँ पे खड़े होने का तो मस्त हवा देता है, लेकिन वहां तक नहीं दे पाता, गर्मी लगती है, ठंडा होने में टाइम लगेगा। देखो रूम टेम्परेचर अभी दिखा रहा है 32 degrees, तो 32 डिग्री हो रहा है इस रूम का टेम्परेचर। अभी आ जाएगा ना 21-22 पे, फिर सही बैठा जाएगा। चलो मैं इसको ओकुलस के साथ सेटअप करके गेम वेम खेल के देखता हूँ, ताकि वीडियो बना सकूं अपने अनमोल जायसवाल चैनल पे इसकी, और उसके बाद खाना खा के फिर एडिटिंग करके सो जाते हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना पीकर। चलो जी बाय।